तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा टैबलेट है। दोस्तों अभी सर्दी का मौसम आ गया है, हर व्यक्ति को सर्दी लगना अभी संभव हो सकता है। दोस्तों इसका यूज़ डोज इसका साइड इफेक्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग यूज किया होगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों अब बात करेंगे डाइकोल्ड प्लस बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों एसिक्लोफिनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAID है। यह कुछ विशेष केमिकल मैसेंजर के स्राव को रोकती है जिनके कारण दर्द व इन्फेक्शन जैसे लाल होना और सूजन होना ये सब हो सकता है। दोस्तों पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाला है। यह मस्तिष्क से उन केमिकल मैसेंजर को निकालने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता। तो दोस्तों अब बात करेंगे, दोस्तों सिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामाइन दवा है। यह शरीर में केमिकल मैसेंजर सिस्टामाइन के प्रभाव को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षणों जैसे खुजली सूजन और चकते का इलाज करता है। फेनिलफ्राइन एक बंद नाक खोलने वाली दवा है जो छोटी रक्त वाहिकाओं को सरकरा करके बंद नाक की समस्या से आराम दिलाती है। कैफीन एक स्टिमुलेट है जो सिट्रिजिन के कारण होने वाले सुस्ती को कम तो करता है। किन किन प्रॉब्लम में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं? दोस्तों जैसे नाक बहना, आंखों से पानी आना, बार बार छींक आना और कंजेक्शन या जकड़न से राहत देता है। यह सूजन, दर्द और जुखाम के साथ बुखार का कारण बनने वाले कुछ केमिकल को निकलने से रोकता है। इस कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कंटेंट्स डाला हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, फेनिलफ्राइन, हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रिजिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड कैफीन डाला हुआ। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप उसे खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करेंगे इसका कंपनी के बारे में, तो गज देख सकते हैं लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग किया। बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही पुराना कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों आप बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में, दोस्तों दिन में दो टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों, सुबह और शाम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका प्राइस के बारे में, तो गाइस देख सकते हैं ₹50 में आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से आप वहां से खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इस टैबलेट को यूज करें पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, उसके बाद इसका यूज करें, अन्यथा गंभीर हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे डाइकोल्ड प्लस साइड इफेक्ट इन हिंदी। दोस्तों अगर आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे कि पेट दर्द, सीने में जलन, उल्टी, मिचली आना, बेचैनी, ये सब थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप बात करेंगे डाइकोल्ड प्लस कंट्राइंडिकेशन इन हिंदी। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आपको ये सब बीमारी है तो प्लीज़ आप इस टैबलेट को यूज ना करें, अन्यथा गंभीर हो सकता है, जैसे कि लीवर, गुर्दे की बीमारी, ड्रग एलर्जी, शौक, हृदय रोग, शुगर, शराब की लत। अगर आपको ये सब पहले से बीमारी है तो प्लीज़ आप इस टैबलेट को यूज ना करें, अन्यथा गंभीर हो सकता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने में अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलता है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।